मैं हूं आशिकीन कुरैशी। आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद शाहजहांपुर की। शाहजहांपुर में फसल में आग लगने से एक परिवार आज पूरी तरह भुखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन से किसान और गरीब मजदूर पहले ही खुद को मरा हुआ महसूस कर रहे थे, वहीं खेत में अचानक गेहूं की तैयार फसल में आग लगने से एक परिवार पूरी तरह भुखमरी से मरने पर मजबूर है। मामला दरअसल कोतवाली इलाके मोहल्ला मघई टोला का सामने आया है, जहाँ कल बीती रात खेत में आग लगने से गेहूं की फसल बुरी तरह से जलकर राख हो गई और किसान और उसका परिवार बर्बाद हो गया। 12 बीघा के खेत में गेहूं की फसल बोई गई थी, जो अब पूरी तरह से तैयार थी, जो आग लगने से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कैसे आग लगी है ये? या भैया, हम तो सब इकट्ठा करके चले गए। क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। अल्ताफ खान जी, खेत आपका है ये? जी हमारा है। किस तरीके से आग लगी? हम तो इकट्ठा करके चले गए थे। अच्छा, अभी शाम को यहाँ जब मोहल्ले वालों को पता चला आग लग गई थी, हमने कहा सुबह खा देगा। इसमें फसल तैयार थी कोई? अरे गेहूं इकट्ठा कर गए थे। इकट्ठा कर गए थे गेहूं? कितना लगभग गेहूं होता? 12 बीघे का। 12 बीघे? हाँ, 12 बीघे लाख इकट्ठा करके गए थे। सारे में आग लग गई जी। आग लगने के लगभग कितनी देर बाद मालूम चला आपको? हमें आधा घंटे बाद मालूम चला। आपने दमकल की गाड़ी फायर ब्रिगेड पे फोन किया था जी? कितनी देर में फायर ब्रिगेड आई? आई करीब आधे घंटे के बाद आई। 20-25 मिनट लग गए करीब। चलो, सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यकीनन सी बात है माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन, जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है, और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है, और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फख्र की बात है।